दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत सरकार लगातार माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पॉलिसी के थ्रू प्रमोट कर रही है। बजट 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि भारत सरकार ने बजट के अगर आपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को वास्तव में भुगतान नहीं किया उनके बिल का, तो आप रिलेवेंट खर्च क्लेम कर सकते हैं। पर इन दिनों जबकि ये वित्त वर्ष 23-24 समाप्त होने पर है, इस विषय में बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मैसेजेस मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं कि अगर आपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट नहीं किया तो सतर्क रहें, सावधान रहें, डिडक्शन क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे लगा दोस्तों आज की डेट में ये एक गंभीर विषय के रूप में उभर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के पेमेंट के संदर्भ में बिजनेस का डिडक्शन कैसे क्लेम किया जाएगा, इस विषय पर वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत, इस विषय से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें एक एक करके आपके समक्ष रखने की कोशिश यहां पर करूंगा। ये आगे लिए चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके समक्ष एक बैकग्राउंड रखता हूं। सेक्शन 43 बी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर आप कोई व्यवसायी हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपनी बुक्स में किसी खर्चे का डिडक्शन क्लेम करते हैं एक्रुअल बेसिस पर। आप कहेंगे अनुप जी एक्रुअल बेसिस क्या होता है? एक्रुअल का मतलब है कि आपने खर्चे का भुगतान तो नहीं किया परंतु अपनी किताबों में सामने वाले को पेमेंट ड्यू करके दिखा दिया। और इनकम टैक्स लॉ आपको ऑप्शन देता है कि जहां आपने भुगतान नहीं किया पर किसी खर्चे को ड्यू कर लिया एक्रुअल बेसिस पर और आप मर्केंटाइल सिस्टम या एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो भी आप रिलेवेंट खर्चे का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 43 बी में जो पेमेंट कवर्ड है वो पेमेंट इस रूल का अपवाद है। कैसा रूल? कि एक्रुअल बेसिस पर खर्चे का डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते चाहे आप एक्रुअल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्यों ना फॉलो करते हो। तो इसका मतलब यह है कि सेक्शन 43 भी अपने में जिन खर्चों को समेटे हुए है जब तक आप उन खर्चों का वास्तविक भुगतान नहीं करेंगे तब तक उन खर्चों का डिडक्शन क्लेम करने की परमिशन इनकम टैक्स लॉ आपको नहीं देता। इस बैकग्राउंड की मैपिंग मैं करूंगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को किए जाने वाले भुगतान के संदर्भ में आगे के डिस्कशन में। अब सीधे सीधे आपके समक्ष जो सेक्शन 43 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें फिनेंस एक्ट 2023 ने यानी बजट 2023 ने क्या चेंज किया, क्या अमेंडमेंट किया वो रखता हूं। देखिए सेक्शन कैसे शुरू होता है। इस सेक्शन का टाइटल है सर्टेन डिडक्शंस टू बी Only on actual payment। ये बिल्कुल बेयर एक्ट से आपके सामने प्रोविजन रख रहा हूं कि कुछ डिडक्शन आपको तभी मिलेंगे जब आपने वास्तविक भुगतान किया, जैसा कि मैंने पहले बैकग्राउंड में भी बोला। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, the deduction otherwise allowable under this act in respect of, अब categories of expenditure वहां पर mentioned है, उसमें एक नई category clause H के रूप में बजट 2023 से जोड़ी। क्या category थी? Any sum payable by SSC to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, यानी सीधे सीधे शब्दों में अगर आप accrual basis पर कोई खर्चा क्लेम करते हैं पर यह खर्चा किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से रिलेट है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कैटेगरीज एमएसएमई में तीन होती है दोस्तों, माइक्रो भी होती है, स्मॉल भी होती है और मीडियम भी होती है। लेकिन सेक्शन 43 बी में केवल माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस के पेमेंट कवर्ड हुए हैं, मीडियम एवं लार्ज एंटरप्राइजेस के पेमेंट यहां पर कवर्ड नहीं है। इसका मतलब अगर आपने मीडियम या लार्ज एंटरप्राइज का खर्चे का भुगतान नहीं किया पर अपनी बुक्स में ड्यू कर लिया तो डिडक्शन मिलेगा, पर माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइज का पेमेंट आपने नहीं किया पर अपनी बुक्स में उस खर्चे को ड्यू बेसिस पर बुक कर लिया तो जब तक आप भुगतान नहीं करेंगे तब तक आपको खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब भुगतान कैसे करना है उसके लिए बोला सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से आपको होना चाहिए ये पेमेंट, ये भी समझना पड़ेगा। तो आगे लॉ ने क्या बोला, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ डिडक्शन अदरवाइज अलाउबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेबल बाय एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट
शेल बी अलाउड, तो खर्चे का डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लायबिलिटी टू पे सच सम वाज इनकर्ड बाय द असेसी अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम ओनली इन कंप्यूटिंग द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 48 ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड बाय हिम। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने टाइमली नहीं भुगतान किया तो आपको खर्चे का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सही, परंतु कब मिलेगा? जब आपने वास्तविक रूप से रिलेवेंट माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को उस खर्चे का भुगतान कर दिया। अब आप कहेंगे अनूप जी अभी क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आपको मेरे साथ थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं आगे के डिस्कशन में एग्जाम्पल के साथ ये बात आपके समक्ष रखने की और कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आए। दोस्तों इसी सेक्शन 43B में एक प्रोविजो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो टू सेक्शन 43B क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 43B का व्यवस्था लागू नहीं होगी एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एच। और ये जो नया क्लॉज आया है ना बजट 2023 से दोस्तों, ये क्लॉज एच का ही इंसर्शन हुआ है और क्लॉज एच को इस प्रोविजो की कैटेगरी से बाहर रखा गया। अब इससे फायदा होगा नुकसान होगा अभी समझते हैं। Provided that nothing contained in this section except the provisions of clause H shall apply in relation to any sum which is actually paid by the assessee on or before the due date applicable in his case for furnishing return of income under subsection 1 of 139 in respect of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred as aforesaid and the evidence of such payment is furnished by the assessee along with such return. तो इसको आप ऐसे समझें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा काम है आपके सामने लॉ को अप्रेस कराऊं और फिर सही बात क्या है या उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी रखूं। अब इसे ऐसे समझे आप कि सेक्शन 43B का प्रोविजो ये कहता था कि भाटिया जी आपसे कोई पेमेंट, सपोज हम इसे एग्जाम्पल से अगर आपके सामने रखें कि 1 जनवरी 2024 को मैंने किसी का 10 लाख का बिल ड्यू किया आपकी बुक्स में और मैं अभी एमएसएमई से नहीं इसको लिंक करता, मान लीजिए ये स्टेटरी ड्यूज हैं जो सेक्शन 43B में कवर्ड हैं, से कोई गवर्नमेंट का टैक्स था, मैंने अपनी बुक्स में 10 लाख का गवर्नमेंट का टैक्स ड्यू कर लिया, आप इसे जीएसटी भी मान सकते हैं। अब लॉ क्या बोलता था कि आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही गवर्नमेंट के ड्यूज का डिडक्शन मिलेगा, ये सेक्शन 43B व्यवस्था करता। अभी एमएसएमई को साइड रख के चल रहे, एमएसएमई पर मैं आऊंगा डिटेल। 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट का टैक्स है, मैंने अपनी बुक्स में ड्यू किया पर पेमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं सर। अब मेरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मान लीजिए है 31 अक्टूबर 2024 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 और मैंने 31 अक्टूबर 2024 से पहले ये पेमेंट कर दिया, 10 लाख का सरकार का टैक्स भुगतान कर दिया, तो अब मैं डिडक्शन लेने का हकदार हूं। लेकिन अब आप कंपेयर करिए, इस प्रोविजो में क्लॉज एच के नेचर के पेमेंट को अलग हटा दिया, यानी अगर ये 10 लाख रुपए एमएसएमई का पेमेंट था और मैंने एमएसएमई को वो भुगतान किया ही नहीं और मैंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले वो 10 लाख का भुगतान कर भी दिया तो भी सर मेरा वित्त वर्ष डिडक्शन क्लेम करने का बदल जाएगा, मुझे सेम वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 23-24 में डिडक्शन मिलने की जगह अब अगले वित्त वर्ष 24-25 में डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन तो मिलेगा पर दोस्तों उसका ईयर खिसक जाएगा। ईयर खिसकना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब ईयर खिसकेगा तो पहले ईयर में आपको जब डिडक्शन नहीं मिलेगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, तो ये नुकसान होने वाली बात है। इसलिए मार्केट में इतनी सेंसेशन है कि साहब ये लफड़ा हो गया इस तरीके के, अगर हम डिडक्शन में उतर गए तो हमारे को नुकसान होगा और वो नुकसान क्या है उस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो यहां तक ये बात समराइज करता हूं कि 43B ये कह रहा था कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। जो 43B की लिस्ट है उसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को किए जाने वाले पेमेंट गवर्नमेंट ने बजट 2023 से इंक्लूड किए। गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती थी 43B के वेरियस क्लॉजेज में कि चलिए आपसे भुगतान नहीं हुआ, आप एक्रुअल पर खर्चा लेना चाहते हैं, कम से कम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक तो खर्चे का भुगतान कर दें तो हम आपको सेम वित्त वर्ष जिसमें खर्चा बुक किया है ड्यू किया है उसमें डिडक्शन दे देंगे। पर माइक्रो एवं स्मॉल कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज के पेमेंट्स अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी भुगतान कर दिए तो भी डिडक्शन मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है, नुकसान होना लगभग तय है। तो ये चीज है जो लोगों को डरा रही है।
क्यूरियोसिटी दोस्तों जो यहां पर पैदा होना स्वाभाविक है कि बहुत से लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अनूप जी मैं अपने बिजनेस में अब तक तो ऐसे देखता ही नहीं था कि कौन माइक्रो है कौन स्मॉल है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं। अब आपको ये लेंस लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप जिस व्यापारी से डील कर रहे हैं, जिस कंपनी से डील कर रहे हैं, जिस पार्टनरशिप फॉर्म से डील कर रहे हैं, जिस भी एंटिटी से डील कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, क्या वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज तो नहीं है। अब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में क्या दी गई, बोला गया साहब माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं एवं जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं। और इसी प्रकार दोस्तों जैसे हमने माइक्रो एंटरप्राइज को समझा, उसी प्रकार स्मॉल एंटरप्राइज को भी समझते हैं कि स्मॉल एंटरप्राइज कौन है, बोला जी ऐसा एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और जिसका एनुअल टर्नओवर, एंड वर्ड है यहां पर, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिसका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यानी बहुत सरल कर देता हूं आपके लिए इस बात को, तो ऐसा कहूंगा ऐसे सभी एंटरप्राइज जिनके प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या तो वो माइक्रो में आएंगे या स्मॉल में आएंगे। जब इन एंटरप्राइजेस के साथ आप डील करेंगे और आपको उनसे कोई इनवॉइस मिला है, कोई बिल मिला है, या उनका कोई पेमेंट ड्यू है जिसको आप अपनी बुक्स में एक्रुअल बेसिस पर, मर्केंटाइल बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर क्लेम करना चाहते हैं, तो आप बुक्स में तो एंट्री पास करें। पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये अमेंडमेंट आ गया सेक्शन 43B में कि जब तक ऐसी एंटिटी को आपने वास्तव में भुगतान नहीं किया तब तक आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जब आप भुगतान करेंगे, जिस वित्त वर्ष में भुगतान करेंगे, उस वित्त वर्ष में आपको डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। लेकिन अभी और भी कहानी बाकी है, उस पर भी आगे चलना है। अब दोस्तों क्योंकि विषय गंभीर है तो यह भी समझना जरूरी है कि जो एमएसएमई एक्ट है, इसका स्मॉल में, वैसे तो इसका पूरा नाम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, मैं इसे प्यार से एमएसएमई एक्ट कह रहा हूं, बहुत सारे लोग यही कहते हैं। तो इस एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 ऐसे क्या व्यवस्था करता है वो समझना एक व्यापारी के लिए, व्यवसायी के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 5 डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बिल्कुल स्पेसिफिकली सेक्शन 15 लागू ही माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विसेज टू एनी बायर, द बायर शैल मेक द पेमेंट देयर ऑफ ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम द सप्लायर इन राइटिंग और वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड। ठीक है, तो बायर को जो पेमेंट है, जो उन्होंने आपस में बायर सेलर ने एग्री किया है डेट, दिन के 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ये पेमेंट हो जाएगा, उस पीरियड में बायर को सेलर को पेमेंट करना है या सर्विस रिसिपिएंट को, सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करना है। और अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट नहीं किया उन पार्टियों ने आपस में, तो अपॉइंटेड डे से पहले पेमेंट करना है। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर इन राइटिंग शैल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब मान लीजिए दो पार्टियां आपस में मिलकर तय कर रही थी कि 90 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को, नहीं सर आप 90 दिन चाहे एग्रीमेंट में लिखें पर मैक्सिमम पीरियड लॉ कितना अलाउ कर रहा है, 45 डेज। तो अगर आपने कोई पीरियड तय किया है तो बहुत अच्छा, जिसका मैक्सिमम पीरियड 45 डेज होगा, और अगर कोई पीरियड नहीं तय किया तो फिर लॉ कहता है कि साहब आपको 15 दिन के अंदर ही भुगतान करना है अपॉइंटेड डे से। अब ये बात कि अपॉइंटेड डे क्या होती है उस पर भी छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। अब एमएसएमई एक्ट में ही दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज बी में अपॉइंटेड डे की भी चर्चा की गई कि अपॉइंटेड डे मींस द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बाय द बायर फ्रॉम अ सप्लायर। तो बायर फ्रॉम सप्लायर का मतलब क्या हो गया कि एक सप्लायर ने गुड्स बायर को सप्लाई किए, तो अपॉइंटेड डे क्या होगा कि अपॉइंटेड डे तक पेमेंट हो जाना चाहिए। अब अपॉइंटेड डे में 15 दिन की जो अभी बात मैंने आपसे करी थी वो लॉ से निकल के आ रही है, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आप एज अ बायर हैं, मैं एज अ सेलर हूं, मैंने आपको माल दिया, आपने माल स्वीकार कर लिया, ठीक है, आपके मेरे बीच रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कितने दिन में आप मुझे भुगतान करेंगे, तो अपॉइंटेड डे अगर मैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज हूं आपको 15 दिन में मुझे भुगतान करना है, ये सीधी सीधी इंटरप्रिटेशन है। अब डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज।
and where the objection is made in writing by the buyer regarding the acceptance of goods or services within 15 days from the day of delivery of goods or rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier. If deemed acceptance ka bhi concept hai, the day of deemed acceptance means where no objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the day of delivery of goods or rendering of services, the day of actual delivery of goods or the rendering of services. तो ये इंटरप्रिटेशन भी साथ रखना बहुत जरूरी है कि साहब ये अपॉइंटेड डे क्या होता है, आपने एग्रीमेंट में लिखी है ये बात या नहीं लिखी, एंड इसका इंपैक्ट आपके डिडक्शन के क्लेम करने की सेहत पे निश्चित रूप से आ सकता है। तो आपके समक्ष ये भी बात रख देता हूं कि गवर्नमेंट जब ये अमेंडमेंट लाई तो एक हर फाइनेंस बिल का मेमोरेंडम होता है, उस मेमोरेंडम में सरकार ने अपनी मंशा क्या रखी कि जरा जनता जनार्दन ये भी समझे कि गवर्नमेंट की मंशा क्या थी इस अमेंडमेंट को लाने में। पर्पस ऑफ अमेंडमेंट एज पर द मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल 2023 टाइटल था सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर। ये जो गवर्नमेंट लेकर के आई चेंज, गवर्नमेंट मानती है कि हम सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर ला रहे हैं, प्रमोटिंग टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन डिडक्शन टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। Further, the proviso to this section allows deduction on accrual basis if the amount is paid by the due date of furnishing return of income. ठीक है, ये already 43B में चल रहा था, ये memorandum में कहा गया। In order to promote timely payment to micro and small enterprises, it is proposed to include payment made to such enterprises within the ambit of 43B of that. तो जैसा कि हमने शुरू में भी समझा कि government ये चाहती है कि micro and small enterprises को जो पेमेंट है वो टाइमली हो, तो हम उनको किए जाने वाले पेमेंट को 43B में लेके आ रहा हूं। अकॉर्डिंगली इट इज प्रपोज टू इंसर्ट अ न्यू क्लॉज एच इन सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एनी सम पेबल बाय द एसोसिएट टू अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSME डी एक्ट 2006 शैल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। However, it is also proposed that proviso to 43B shall not apply to such payment. यानी जहां आप due date of filing ITR तक भी भुगतान कर देते हैं तो भी deduction नहीं मिलेगा, ये भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये सरकार की मंशा यहां पर क्लियर हुई। अब सुनिए दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में इन्हीं प्रोविजन को आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि पहला एग्जाम्पल है मेरा जिसमें मैंने माना कि A Limited एक कंपनी है, इसने कुछ सर्विसेज अवेल करी थी एक्स एन कंपनी की जो कि एक पार्टनरशिप फर्म मान लीजिए और जो माइक्रो एंटरप्राइज के रूप में रजिस्टर्ड है, फॉर विद द इनवॉइस ऑफ ₹12 लाख वाज रेज्ड डेटेड 20 मार्च 2024। तो से वित्त वर्ष 23-24 है, 20 मार्च 2024 को एक्स एन कंपनी ने एक इनवॉइस रेज किया। नो रिटर्न एग्रीमेंट अबाउट द टाइम ऑफ पेमेंट एग्री, तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, तो सर्विसेज मिली उसके 15 दिन में भुगतान करना था। अब अगर आप 15 दिन जोड़ करके चलेंगे दोस्तों 20 मार्च के बाद में 15 दिन, तो 11 दिन तो हमारे पास में मार्च में और पड़े हैं, और 4 दिन में और ले लेता हूं अप्रैल के, तो मेरे पास में डेट आ गई नई 4 अप्रैल 2024। अब मान लीजिए ये भुगतान वास्तव में नहीं हुआ था, और कब हुआ आगे लिखा, ए लिमिटेड हाउएवर मेड द पेमेंट बाय 10 अप्रैल 2024। अब 4 अप्रैल तक तो सब भुगतान करना था, और भुगतान किया कब साहब, 10 अप्रैल 2024 को। तो ये खर्चा जो कि अमेंडमेंट से पहले ए लिमिटेड इस खर्चे का डिडक्शन ले लेती साहब 23-24 में, अब ये कब ले पाएगी, वित्त वर्ष 24-25 में। तो इसका डिडक्शन क्लेम करने का ईयर खिसक गया। अब इसका इंपैक्ट समझे सर, 12 लाख रुपए से इनकम बढ़ जाएगी वित्त वर्ष 23-24 में। हाँ, ये बात अलग है कि 12 लाख का डिडक्शन आपको 24-25 में मिलेगा, तो 12 लाख की इनकम कम भी होगी 24-25 में, पर जिस ईयर में इनकम बढ़ेगी, सपोज उसको 30% टैक्स देना है, तो 3,60,000 रुपए टैक्स जेब से देना पड़ेगा। तो एक और भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन हमें 3,60,000 रुपए का इनकम टैक्स और देना पड़ेगा। तो ये वास्तव में एक तरीके की टफ प्रोविजन है या क्रूअल प्रोविजन है, मैं ये बोल सकता हूं कि इस प्रावधान को कोई भी बिजनेसमैन हल्के नहीं ले सकता। दोस्तों एग्जाम्पल टू देखिएगा और क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। पी एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म परचेज गुड्स वैल्यूइंग ₹5 लाख फ्रॉम मिस्टर साहिल हु इज अ स्मॉल एंटरप्राइज। तो एक पार्टनरशिप फर्म ने एक प्रोपराइटर से माल खरीदा, कब खरीदा सर, ऑन 1 फरवरी 2024 खरीदा। एज पर द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द पेमेंट कैन बी मेड अप टू 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस था 1 फरवरी 2024, तो 45 दिन में भुगतान किया जा सकता था इसके बाहर।
ठीक है, तो 45 दिन अगर मैं मान लूं 2024 के, तो देन इन दैट केस 28 दिन 1 फरवरी के बाद में एक हो गए सर, और उसके बाद में 17 दिन और हो गए, तो 17 मार्च 2024 तक भुगतान हो जाना चाहिए ऐसा हम मान लेते हैं। पी एंड कंपनी मेड द पेमेंट इन टू इंस्टॉलमेंट, वन ऑन 31 मार्च 2024 ऑफ 3 लाख एंड सेकेंड ऑन 20 अप्रैल 2024 ऑफ बैलेंस 20 लाख। अब देखिएगा यहां पर जो बैलेंस 2 लाख, 20 लाख की जगह 2 लाख बोलूंगा। अब यहां पर जो बात समझने की है दोस्तों वो क्या है, जो 3 लाख का भुगतान और 2 लाख का भुगतान दोनों ही 17 मार्च 2024 के बाद हो रहे हैं, लेकिन जब आप डेट खिसक जाते हैं, डेट को एक्सीड कर जाते हैं, तो जिस ईयर में भुगतान करते हैं उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, पी एन कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक जो 3 लाख दिए उसका तो डिडक्शन मिल जाएगा वित्त वर्ष 23-24 में, चाहे अपनी बुक्स में खर्चा 5 लाख का क्लेम कर लें, और जो बाकी के 2 लाख रुपए हैं दोस्तों उस 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा अगले वित्त वर्ष में, यानी वित्त वर्ष 24-25 में। सो आई होप दिस क्लैरिटी वुड बी देयर कि इस तरीके से ये डिडक्शन अब 43B के प्रभाव से मिलने वाला है या रोकने वाला है। एक और एग्जाम्पल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रखता हूं ताकि और क्लैरिटी डेवलप हो। से मिस्टर गिरिराज अजमेरा परचेज गुड्स वर्थ ₹17 लाख फ्रॉम मिस्टर सौरभ मालपानी हु इज रनिंग अ स्मॉल एंटरप्राइज ऑन 10th of January 2024। तो 10 जनवरी 2024 को मिस्टर गिरिराज अजमेरा ने कुछ गुड्स परचेज किए मिस्टर सौरभ मालपानी से। नो एग्रीमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ पेमेंट, येट मिस्टर गिरिराज पेड द अमाउंट इन 3 पार्ट्स एज गिवन। तो जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो डेज कितने काउंट होंगे सर, 15 दिन। ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 15 दिन अपन मान लेते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 जनवरी 2024 थी। अब गिरिराज अजमेरा जी ने 12 जनवरी 2024 को 4 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, यानी जस्ट 2 दिन में पेमेंट कर दिया 4 लाख का, और सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया वित्त वर्ष 23-24 में, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। 25 मार्च को यानी 15 दिन निकलने के बाद उन्होंने 6 लाख का पेमेंट किया, पर सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया सर, इस 6 लाख का डिडक्शन भी वित्त वर्ष 23-24 में मिल जाएगा। और 15 दिन के बियॉन्ड परंतु 2 अप्रैल 2024 तक 7 लाख का पेमेंट और किया, तो आप देखें तो 139(1) की डेट तो आएगी, अगर ऑडिट थी गिरिराज जी पर तो 31 अक्टूबर, और ऑडिट नहीं थी तो 31 जुलाई 2024। उन्होंने तो केवल 2 अप्रैल को ही सर 7 लाख बैलेंस भुगतान कर दिया, पर ये 7 लाख का डिडक्शन पूरा का पूरा खिसक जाएगा सर वित्त वर्ष 24-25 में। दैट इज व्हाट इज द आई कैन से रिगर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोविजन। तो यहां पर सर खतरा बहुत है, और इस खतरे में ना आए गिरिराज अजमेरा जी को यहां सुनिश्चित करना था कि वो 31 मार्च तक सौरभ मालपानी जी को पूरा पेमेंट कर देते। तो सर यहां एक चैलेंज है, चैलेंज क्या है ये बात समझने की है कि सरकार एक तरीके से फोर्स कर रही है कि आपको तो साहब विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड पेमेंट करना है, इसका बेनिफिट निश्चित रूप से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को होगा, पर जो पे कर रहा है वो कौन है, क्या वो भी एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी गफलत है सर जो इस प्रावधान में अभी क्रिएट हो चुकी है। आइए दोस्तों अब एक बड़े काम की बात यहां पर करता हूं कि चलिए अनूप जी जरा ये तो समझाइए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट। सो बेसिकली आप ये समझें कि अगर आपने खर्चे का भुगतान एग्रीड पीरियड या 15 दिन का पीरियड जो भी एप्लीकेबल हो उसमें नहीं किया, तो लॉ बड़ा क्लियर है कि हम ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक वो भुगतान कर दिया, हम तो ये देखेंगे आपने किस वित्त वर्ष में फिर भुगतान किया। अगर फॉर्चुनेटली वित्त वर्ष सेम है तो आपको कोई चिंता नहीं है, आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि आपने डिले किया, पर डिले करने के बावजूद आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट तो किया। पर अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर से एक भी दिन एक्सीड कर गए तो आपको खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन वुड सर्टनली रिजल्ट इन टू पेमेंट ऑफ टैक्स। आप जिस भी स्लैब रेट में आते हैं, यदि इंडिविजुअल हैं आप फर्म है तो 30%, कंपनी है तो 22, 15, 30, 25 जो भी रेट आप पर लगती हो उस रेट पर आपको डिसअलाउंस की वजह से टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों टैक्स तो बनेगा, उसका इंटरेस्ट लाइबिलिटी भी क्रिएट होकर के आएगी, तो एक और तो सामने वाले का एक्रूअल की वजह से मैं टीडीएस काट के जमा करूं, दूसरी ओर क्योंकि मैंने उसे भुगतान नहीं पेमेंट किया तो मुझे टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तीसरी ओर क्योंकि टैक्स मेरा डिलेड होगा टैक्स एक्स्ट्रा बनेगा तो उसका इंटरेस्ट भी बनेगा अंडर सेक्शन 234B 234C। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस तरीके के खर्चे कोई असेसमेंट के दौरान सरफेस पर आ गए तो फिर अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी या मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A भी लेवी हो सकती है। तो ये सारे ट्रिगर अपने आप में बता रहे हैं
कि माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइज को किए जाने वाले पेमेंट पर अब किसी भी व्यापारी को बहुत सतर्क होकर के डील करने की जरूरत है। तो दोस्तों क्या प्रिकॉशन लिया जाए? प्रिकॉशन टू बी टेकन इन माय ओपिनियन कुड बी वन, आइडेंटिफाई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एज अ सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर इन योर केस एंड एंश्योर नेसेसरी सिस्टम एनेबलमेंट। आपका सिस्टम आपको अलर्ट देता हो कि भाई क्या कर रहे हैं ये जो मिस्टर ए हैं, ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हैं, इनसे जो बिल आया है इसका टाइमली भुगतान करिए, नहीं तो कल आपको डिडक्शन क्लेम करने में परेशानी हो सकती है। यू मे डिटरमाइन द टर्म ऑफ पेमेंट आइदर इन इनवॉइस और इन एग्रीमेंट इवन। ठीक है, आप 15 दिन का लीवरेज लेकर के 45 तक जाना चाहते हैं तो उस संदर्भ में एक एग्रीमेंट या इनवॉइस में कोई पीरियड डिसाइड कराइए, तो उससे आपको कम से कम 15 से 45 दिन जाने का भी एक मौका मिल सकता है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर लास्ट में डिस्कस करूंगा, वेदर एमएसएमई टू एमएसएमई पेमेंट हैव एग्जम्पशन फ्रॉम दिस रूल। इन माय ओपिनियन देयर इज नो सच एग्जम्पशन। कोई एग्जम्पशन नहीं है सर कि एमएसएमई टू एमएसएमई पेमेंट हो रहा हो तो 43B का ट्रिगर नहीं लगेगा, लगेगा। और उससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम 44AD, ADA या 44AE काइंड ऑफ असेसी हैं और हमने किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से सेवा ली या गुड्स लिए और हम उन्हें टाइमली नहीं भुगतान कर पाए तो फिर हमें क्या नुकसान होगा? मेरी ओपिनियन में सर ऐसे करदाता सेफ हैं, उन्हें 43B के इस ट्रिगर में कोई नुकसान मेरी ओपिनियन में नहीं होना चाहिए, अनलेस वो इन सेक्शन से बाहर जाकर के एक्चुअल इनकम के टैक्सेशन पे उतर के कोई टैक्सेशन एक्चुअल बेसिस पर देना चाहे तो उन्हें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के पेमेंट का टाइम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के प्रोटेक्शन के लिए कि उन्हें टाइमली पेमेंट आए, उस दृष्टि से देखा जाए तो 43B में किया गया अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी की पोजीशन भी शायद देखी जानी चाहिए कि क्या इस तरीके के प्रावधान से उलझने और बढ़ेंगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होंगी। तो मैं मानता हूं साहब के कॉम्प्लेक्सिटीज तो क्रिएट होने वाली, तो आने वाला समय बताएगा कि इस संदर्भ में भारत सरकार ने जो प्रावधान बनाए उनका व्यवहारिक धरातल पर उतरने में कितनी समस्याओं का सामना करदाताओं को करना पड़ता है, और हो सकता है बाद में भारत सरकार कोई रिलीफ भी लेकर के आए, लेकिन अभी के लिए तो ये प्रावधान थोड़े टेढ़े जान पड़ते हैं। और यदि आप एक्रुअल बेसिस पर डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आप इस विषय में सतर्क रहें, सावधान रहें, ये राय मैं भी अवश्य देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।